Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. कुछ दिन पहले शाहरुख खान ने फिल्म द लायन किंग के हिंदी वर्जन का टीजर शेयर किया, जिसके बाद हमें पता चला कि उन्होंने इस फिल्म में मुफासा के कैरेक्टर को वॉइस ओवर किया है। अब टीजर में किंग खान की आवाज सुनकर सभी फैंस खुशी से झूम उठे, मगर इस टीजर से पाकिस्तानी एक्टर शान शाहिद कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुए और उन्होंने ट्विटर पर एक इंसल्टिंग पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, शाहरुख साहब प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय एन आइकॉनिक फिल्म विद हिंदी डब, नो डिफरेंस इन शाहरुख वॉइस, इट इज लाइक एनी अदर वीओ दैट ही डज फॉर हिज फिल्म्स, एटलीस्ट चेंज योर वॉइस एक्सप्रेशन फॉर अ लायंस डब। अब जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, किंग खान के फैंस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने शान शाहिद के ही अकाउंट पर जाकर उनके कमेंट सेक्शन से उन्हें ट्रोल कर दिया। कुछ यूजर्स ने तो सीधे सीधे कह दिया कि अगर तुम्हें नहीं देखनी तो मत देखो, तुम इंग्लिश वर्जन देखो। तो इस तरह से किंग खान के फैंस अपने हीरो की इंसल्ट का बदला लेने निकल पड़े और इस फैन फॉलोइंग को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 19 जुलाई को रिलीज होने वाली द लायन किंग शाहरुख फैंस के कारण ही सुपर डुपर हिट होगी, है ना?